हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल ये फिफ्टीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी तो अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं टैरो प्रडिक्शन्स हैं और देखिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट एनर्जीज थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशंस देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिए अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 होता है अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड सेकेंड थिंग बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो देखिए टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं चाहे फिर वो आपका सन साइन हो मून साइन हो एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि फल चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आकेजल गेब्रियल। दिकी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं किंग मिडास की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है हम सब ने बचपन में उस राजा की कहानी सुनी है जिसके लिए पैसा मनी सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतना ज्यादा कि वो भगवान से वरदान मांग लेते हैं कि जिस चीज को छूए वो सोना हो जाए खैर वो कितने परेशान हुए हम सब जानते हैं लेकिन कैप्रिकॉन्स इस वीक आपकी भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे मनी पैसा टांजेबल मेटेलिस्टिक चीज़ें काफ़ी अहम रहती हुई दिख रही हैं और इन्हीं से ही रिलेटेड एक फायदा एक गेन भी आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है या मैं कह सकती हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ कॉप्रिकॉन्स को मिलती हुई दिख रही हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली यू नो चीज़ें बेटर हों और देखिए ओवरऑल के लिए कैसे यू you नो know, एक फाइनेंशियल ग्रोथ आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आए इसी से ही रिलेटेड कैसे एक प्रोग्रेस हो कैसे चीजें नेक्स्ट लेवल पे जाएं आप उस पे ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड काफी डिवोटेड तरीके से काफी डेडिकेटेड तरीके से आप एफर्ट इनिशिएटिव भी लेते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इस तरीके का इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो रहे हैं या फिर उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा बातचीत हो रही हैं एंड डीपर लेवल के लिए आकेजल गेवरियल का कार्ड कहता है कि कम्युनिकेशन आपको इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा करना पड़ रहा है ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई लेक्चर देना है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको अपनी टीम मेम्बर्स को या अपने वर्क फ्रंट में किसी को मोटिवेट करना पड़ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको किसी को काउंसलिंग देनी पड़ रही है तो देखिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और इसी से ही रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का इशू आप महसूस करें तो आकेजिल की एनर्जीज को आप इन्वोक कर सकते हैं क्योंकि आकेजिल गेब्रियल कहीं कम्युनिकेशन के ही एंजल हैं और देखिए इनके साथ आप कनेक्ट करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा इनफैक्ट इतना अच्छा होगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे ओवरऑल के लिए देखिए काफी अच्छी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। फिर से मैं कहूँगी मनी पैसा टैंजबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का फ़ायदा हो रहा है या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि आप ओवर प्रैक्टिकल ओवर रियलिस्टिक इन द प्रोसेस ना हो जाएं एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ फोर्सेज और देखिए सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी ईमेल मैसेज फ़ोन कॉल न्यूज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीक आपको मिल सकती है और ये न्यूज़ ये ईमेल ये मैसेज ये फ़ोन कॉल कहीं एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आपकी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं अगर आप किसी से कमिटमेंट चाह रहे थे तो किसी लेवल पर वो कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है या मैं कह सकती हूँ कि देखिए बहुत बड़ा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन छोटी छोटी सी एक नो पॉजिटिव चीजें ये मैसेज ये फोन कॉल ये ईमेल आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं कहीं मनी पैसा फाइनेंसेस से रिलेटेड भी किसी लेवल पे कुछ लोगों के लिए एक गेन एक फायदा रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज को लेकर अगर आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है अपनी स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है तो वो भी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा है आपकी लाइफ में जिसके ऊपर पर आप बहुत फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है बच्चे की पढ़ाई पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है बच्चे की हेल्थ खाना पीना एक्सरसाइज पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं और देखिए ये कैप्रिकॉन्स आपके लिए भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप यू नो एक्सरसाइज योगा जिमिंग शुरू करना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हैं आप कहीं यू you नो know, बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और कहीं देखिए इन द प्रोसेस आप हर चीज़ को बहुत बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हैं आई डोंट नो क्वीन ऑफ फोर्सेस के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं इस क्वीन के एक तरफ सन है और दूसरी तरफ मून है और हम सब लोग जानते हैं सन और मून एकदम से अपोजिट एनर्जीज रिप्रजेंट करते हैं जहाँ सन इतना हॉट है वहीं मून बिल्कुल कोल्ड cool है तो देखिए जब दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं वही एक आइडियल सिचुएशन भी होती है जब हम ओवर किसी चीज को करते हैं यानी कि जरूरत से ज्यादा करते हैं तब भी एक परेशानी लेकर आते हैं और जब हम जरूरत से कम चीजों को करते हैं तब भी एक परेशानी लेकर आते हैं हमेशा एक बैलेंस्ड एनर्जीज ही आइडियल होती हैं और कुछ ऐसा ही आप भी मेंटेन करना चाह रहे हैं यानी कि पीछे किसी भी चीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा कर रहे थे या फिर जरूरत से कम कर रहे थे उसको आप चेक करके करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं तो देखिए ओवरऑल पूरा ही वीक आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है चाहे फिर वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो और ओवरऑल के लिए कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एनर्जीज आपके लिए ज्यादा रहती हुई दिख रही हैं एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए चूजिंग योर पाथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ऑल इज पॉसिबल बहुत ही क्लियर मैसेज है जो भी आप पाना चाहते हैं जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं वो आपके लिए पॉसिबल है और जब आप इस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे इस बिलीफ सिस्टम से चीज़ों को डील करेंगे तो हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट अपने गोल अपने मक़सद को आप पालेंगे प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद को डाउट करने लगते हैं हम सिचुएशंस की वजह से यू you नो know, अपनी पोटेंशियल पे ट्रस्ट नहीं रखते हैं अपने वंस पे ट्रस्ट नहीं रखते हैं और तभी कहीं हम परेशान भी होते हैं नटशल में इस कार्ड का मैसेज आपके लिए है है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रखें या मैं कहूँगी अपनी एबिलिटीज पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप पूरा ट्रस्ट रखें पूरा कॉन्फिडेंस रखें और इस एनर्जी से जब आप अपने गोल अपने मकसद को परस्यू करेंगे कि हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है तो यकीन मानिए हर हाल में आप अपने गोल अपने मकसद को पालेंगे एंड स्ट्रॉलोजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए